समय सार में आत्मा भुवन की यात्रा चली है और उस यात्रा में जब गुण विरोध गुण की बात कहा जाता है उन्हें भी शुद्धता में बाधक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस शुद्धता की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो शुद्धता शक्ति की नहीं है, अनुभूति की शुद्धता है। समझ में आया? शक्ति की शुद्धता सभी जीवों में है बराबर, लेकिन वो शक्ति भूत शुद्धता आत्मानुभवन के रूप में जब तक अभिव्यक्त नहीं होती तब तक उससे भव भ्रमण हटता नहीं और सुख क्रिय का प्रागत्य हो जाता। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए इस दोनों को थोड़ा गंभीरता से समझना, शक्ति भूत शुद्धता और अनुभूत शुद्धता। शक्ति भूत शुद्धता पारिणामिक भाव का विषय, समझ में आया? शक्ति भूत शुद्धता कौन किसका विषय है? पारिणामिक भाव का, कि जो जो भी जीव पारिणामिक मतलब जीव है तो पारिणामिक भाव सहित ही है, तो वो सब कैसा है? शक्ति से सिद्ध के समान है। जो निगोद में तो ही मुझ में तो ही मोक्ष मन। यहाँ जो शुद्धता की बात कही अथवा शक्ति की बात कही वो पारिणामिक भाव का, वो सब में से, लेकिन ऐसा होने मात्र से क्या हमारा दुख हट रहा? क्या उस शक्तिभूत शुद्धता के बावजूद निगोद की अनंत जीवराशि सुखी है, त्रेंच आदि सुखी हैं, नरक आदि सुखी हैं? यानी ये वही बात है कि पिताजी ने हमारे नाम पर बहुत सारी मिलकत छोड़ दी है और एक क्लॉज लिख दिया है ये सारी मिलकत आपको मैच्योर होने के बाद मिलेगी, है ना? अब जब तक वो मैच्योर नहीं हुआ बालक 18 साल तक का, कितनी भी मिलकत हो वो भीख मांगने के लिए भी लाचार हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? समझ में आया? तो ये शक्तिभूत शुद्धता वो मैच्योरिटी में पकती, और यहां बात कर रहे हैं मैच्योरिटी। बात समझ में? इसका ये मतलब ये नहीं है कि मैं उसको हे गिन रहा हूं, वो तो परम उपाधि है ही, क्योंकि जिसके अकाउंट में होता है उसको ही तो मिलता है। नोटबंदी के टाइम पे नहीं हुआ था, बोले सरकार 4000 दे रही है, 4000 दे रही, 4000 दे रही। एक आदमी पहुंच गया, बोले 2 साहब 4000, तो देखा बोले अकाउंट में ही नहीं। तो 4000 दे रही है लेकिन साथ में शामिल है ना किसको? जिसके अकाउंट में थे उस, जिसके अकाउंट में नहीं थे उसको कहां से देगी? ऐसे शक्तिभूत शुद्धता हमारे लिए परम उपाधि है, क्योंकि जो भी व्यक्त होगा वो वहीं से होगा। लेकिन जिसे मैं हमेशा कहता हूं, दो चीजें हैं, अनिवार्य है लेकिन पर्याप्त नहीं। क्या बोला? शक्तिभूत शुद्धता कैसी है? अनिवार्य है लेकिन पर्याप्त नहीं। मतलब जब भी आप इस शुद्धता की बात कर रहे हो उसके लिए वो शक्तिभूत शुद्धता होनी चाहिए, और होनी चाहिए क्या है ही, इसलिए अनिवार्य है ही। अब मुद्दा केवल कितना है कि इतने होने से ही पूरा नहीं हो पाए, पर्याप्त नहीं, नेसेसरी बट नॉट इनफ, सिंपल शब्द में। उसके लिए अनुभूत शुद्धता आनी चाहिए, और अनुभूत शुद्धता के लिए जो हमने फेज बताया कि किस किस प्रकार के विकल्प आपके तत्व ज्ञान के बल से क्षीण 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 होते जाते हैं,
आप निर्मल होते जाते हो, मन शांत होता जाता है, चित्त स्थिर होता जाता है, तो अपने आप वो जो विकल्प थे जिसे हमने चार पांच स्टेजेस में बताया था कि नकामे विकल्प निकल जाते हैं, शरीर संबंधी विकल्प निकल जाते हैं, शुभ राग संबंधी विकल्प निकल जाते हैं, बीच में एक था परिवार आदि संबंधी विकल्प निकल जाते हैं, सबसे पहले नकामे, फिर परिवार आदि संबंधी, फिर शरीर संबंधी, फिर ये शुभ राग के वो भी निकल जाते हैं। और फिर यहां तक जो अंतिम बात आई थी कि गुण भेद के विकल्प भी नहीं रहते। चले तो जगत का विचार नहीं कर रहे लेकिन आत्मा का तो विचार करें। बोले आत्मा का भी विचार क्यों करना, जब अनुभूति कर सकते हो तो विचार क्यों। ख्याल में आया कि नहीं है, वानगी मिली है। अब कोई कोई बखान बहुत कर रहा है और चख नहीं रहा। माताओं बहनों ने बनाई, बहुत अच्छा भोजन बनाया, वानगी बनाई, और कोई खाने की तो क्या बात करें, सुगंध से ही मन प्रफुल्लित हो जाता है, देख के ही एकदम उत्साह आता है, और ऐसा खाना तो हमने कभी देखा नहीं। बोले खाओ, तुमने खाने की क्या जरूरत है। तो ये पता चल जाता है ना कि ये सब कौन सा है। ऐसी तारीफ तो फेसबुक की डिस्क के ऊपर भी हो जाती है, यमी विचार कर रहे कितनी मुंह रखता है, वहां कोई बना के अपनी चीज रखता है और यहाँ चटोरे यमी यमी का स्टेटस लगा दी। कौन सी रिद्धि उनको मिल गई जिन्हें देखते से ही पता चल जाता है। दूरा स्वादन रिद्धि शास्त्रों में आती है। कौन सी रिद्धि? दूरा स्वादन, दूरदर्शन की रिद्धि तो मोबाइल ले आया, लेकिन दूर आस्वादन की रिद्धि अभी तक नहीं ला पाया। आस्वादन समझ गए ना, टेस्ट। दूर अनेकों के पास होती है कि दूर पड़ी हुई वस्तु का भी क्या कर ले, आस्वादन कर ले। लेकिन मार्क जुकरबर्ग ने तो वो रिद्धि भी लोगों को दे दी। वहां कोई बना के रखता है या यमी कैसे समझ में आया, समझे कि नहीं समझे। लेकिन ऐसे ही व्यवहार चल रहा है भैया, ठीक है। क्या था? समझ में आया? तो मूल बात ख्याल में आई ना कि जैसे कोई वानगी का वखाण करे लेकिन उसे चखे नहीं, तो वो वानगी की सही महिमा, और कोई जिसे कहे ना कि वानगी दिखे और सामने वाला कहे कि बताओ कैसी लगी, पहले एक सेकंड खाए और खाता जाए, बोले हाँ अब बहुत अच्छी लगी, तो पता चलता है ना कि सर्वश्रेष्ठ कॉम्प्लीमेंट। श्रेष्ठ कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? कि खाए नहीं और बोलता जाए, कि खाने में इतना खो जाए कि बोलना भूल जाए। बोलो किसमें संतोष ज्यादा होगा आप लोगों को? यही बात आचार्य कहना चाह रहे हैं, तू दर्शन है, ज्ञान है, चरित्र बोल क्यों रहा है, अनुभव कर ना। और अनुभव में बोलना भूल जाए तो आचार्य कह रहे हैं कि तुझे वो रसकंद, और बोलने में अनुभव भूल जाए तो तू भाई बहुत पीछे। क्या समझे? आगे की नहीं यही बात ख्याल में, अनुभव में बोलना भूल जाए तो रसकस आ गया, और बोलने में अनुभव भूल जाए तो तू बाहर है भाई। कोई बोले आत्मा के लिए टाइम लगा, अरे क्या करें, 3 घंटे तो स्वाध्याय करते हैं, 2 घंटे प्रवचन सुनते, आत्मा का ध्यान कैसे करें? बोले चुप, तू गलत ट्रैक पर जा। आत्मा का ध्यान करने के लिए किया, मैं जब से समय था प्रारंभ हुआ तब से कह रहा हूं 415 के ऊपर 4500 प्रवचन भी कर दूंगा, लेकिन अगर आप आत्मा की स्थिरता नहीं महसूस करेंगे तो सब नल एंड वॉइड हो जाए। बात समझ में आ रही? मतलब सीधा सीधा सी मेरी गणित है, ये जो आपको परिचय दिला रहा हूं, ये परिचय आत्म वस्तु का आकर्षण आपके अंदर में पैदा करे, आत्म वस्तु की सुगंध आपको दे। क्योंकि जितना सुनेंगे उतना परिचय, गुरुदेव ने किया क्या, भगवान आत्मा कहकर
ऐसी एक एक परिवेश बना दिया, एक वातावरण बना दिया कि लोगों को आत्मा भोजन के जैसा अनिवार्य लगने लगा। इतनी उसकी क्या कहेंगे, लोगों के अंदर धधस लगा दी। समझ में आया कि नहीं आया? गुरुदेव ने समय सार को शास्त्रों से निकालकर स्वाध्याय का विषय किया, प्रवचनों का विषय बनाया, शिविरों का विषय बनाया, हमें उन शिविरों के विषय से स्वानुभव का विषय बनाया। इतना समझ लें, हमेशा मतलब अगर मैं कहूं, अगर आपको नियम देना चाहूं तो मैं नियम दिल मतलब क्या ना कि आप लोग मन में भाव रखो, किस भी हो कैसी भी कंडीशन में 5-10 मिनट मुझे आत्मस्थिरता के लिए निकालने ही हैं, उसके बिना आपको समय सार समझ में नहीं, भगवान भी नहीं समझ समझा। इसीलिए कुछ तो समय निकाले आत्म शुद्धि के लिए, क्या बोला, कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, नर जन्म का उद्देश्य ना, नर जन्म का उद्देश्य ना केवल विलास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, है? कुछ आत्म शुद्धि के लिए थोड़ा समय निकालो, 5 मिनट 10 मिनट सर्व चिंताओं को छोड़कर, मैं प्रभु हूँ, पूरा हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ऐसा मौखिक ही सही चिंतन तो करो, बाकी बात की बात। पापा पगली तो चलो दौड़ना बाहर, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये कर्तव्य नहीं लगता, मैं मुझे बड़ी दुख होता है, अपने मोक्षों के बीच में चर्चा कर रहा हूँ इसलिए उनकी बात बता रहा हूँ। स्वाध्याय करना कर्तव्य लगता है, स्वानुभव करना कर्तव्य नहीं लगता। ख्याल मैं बहुत बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, स्वाध्याय करना कर्तव्य लगता है, स्वानुभव कर्तव्य नहीं लगता। शास्त्र का वाचन कर्तव्य लगता है, आनंद का वेदन करना कर्तव्य नहीं लगता। समझ आया कि नहीं? इसीलिए थोड़ा सा समय इसके लिए, नहीं होता नहीं भूल जाओ, नहीं होता क्यों नहीं होगा, तेरी वस्तु तेरे ध्यान में ना आए कैसे नहीं होगा, तेरे पैसे का तू उपयोग क्यों नहीं कर सकता। बोले हम तो पापी हैं, हम तो कम पढ़े लिखे हैं, हम में बुद्धि कम है, हम ग्रस्त हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। बोले यही सब तुच्छता भुलाने के लिए तो समय था आई नहीं, ये क्या बता रहे हैं हम आपको कि पर्याय की अपूर्णता तेरी नहीं है, संयोगों में तू खराब नहीं होता, तू तो कंचन है, कंचन को कांट नहीं लगता है? समझ में आया कि नहीं? कंचन है ना, कंचन सोना, खरा सोना लोहे को काट लगे, प्रभु तू तो कंचन है, खरा सोना है उसको काट नहीं लगता। बोले संयोग ऐसे है, परिवार ऐसा है, अरे कुछ नहीं, तुझे कोई छूता नहीं। जिन अपूर्णताओं को लेकर तू ऐसा मानता है कि मैं आत्मा का सानिध्य नहीं पा सकता, आचार्य यही बताना चाहते हैं कि वो अपूर्णता तेरे में, बोलो आपको अभी जिंदगी से सुना नहीं कैसे आत्मा का ध्यान करने लगे? अरे भैया वो सीने भी कहां सुना था, कहां सुना था सीने, एक ही बार सुना था ना। बोले हमें तो 6 द्रव्य के नाम भी नहीं पता, हम कैसे आत्मा का ध्यान करें? अरे श्री भूति जी को कहां पता था 6 द्रव्य का नाम, वो भी तो दो ही चीजें देख रहे थे, दाल अलग है और छिलका अलग है, और दाल और छिलके को देख देखकर आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा का ध्यान कर लिया। बोले हम तो पापी हैं, तो पढ़ो अंजन की जैसे पापी तो नहीं हो, अंजन के जैसे चोर नहीं, कीचक के जैसे परिस्त्री लंपट नहीं है, विचार करके देखो क्या कमी तुम्हारे अंदर में समझना है। गृहस्थ है, अरे चक्रवर्तियों के जैसा घर थोड़ी है तुम्हारा 96,000,
आप बताओ कौन सा एक्सक्यूज बाधक बनेगा। तो पहले नंबर ये मन में भरोसा लाओ कि आत्मानुभवन मैं कर सकता हूं, मेरा अधिकार। ये कमियां बोले सब दूर हो जाएंगी, तुम उसकी चिंता छोड़ो। पहले मन में ये विचार करो कि नहीं, मैं ये आत्मानुभवन दिख दिख जीवन संकेत बिना सब सुधर जाएगा भैया, सब सुधर जाएगा। क्योंकि जो कमियां हैं वो सब तेरी, जब आत्मा के दर्शन ज्ञान चरित्र जैसे गुण भेद भी नहीं है तो फिर ये सब की बात कहां गई। जो जो आवार गोपाल सबको समझ में आ सकता है ऐसा समय था, 8 साल का बालक अनुभव कर सकता है ऐसा समय था, मन में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो अब ये तुच्छताओं को भूलो और पर्याय दृष्टि से पार अनुभव की तरफ नजर करो तो वो सत्य उसका ख्याल में आएगा। शक्ति की शुद्धता का तुम्हें भरोसा है, व्यक्त अनुभव की शुद्धता का पुरुषार्थ। शक्ति की शुद्धता का भरोसा करके अनुभव की शुद्धता के लिए पुरुषार्थ करो। अब देखो थोड़ा अपन आगे बढ़ाते हैं, ये 7वें नंबर की गाथा हुई, अब 8वें नंबर की गाथा पे समझ में आते हैं। अब मान के चलो एक तरफ आचार्य ने 6वीं 7वीं गाथा तक समय सार पूरा कर दिया, समझ में आया। तीसरी गाथा में आकर्षण उत्पन्न कराया, 4थी गाथा में दुर्लभता बताई, 5वीं गाथा में सिलेबस बताया, 6वीं 7वीं गाथा में सिलेबस पूरा कर दिया। भैया पढ़ी ना अपने पूरी गाथा, देख समझ में आया कि नहीं, फिर से एक बार नजर कर लो। सबसे चलो एक से गिनते हैं, पहली गाथा में क्या किया, मंगलाचरण, उसको तो अपन गिनते नहीं है, क्रिकेट खेलते ना पहले ट्रायल बॉल होती है ना ट्रायल बॉल, उसको चलो अपन अभी काउंट नहीं करते, उसमें बहुत मर्म है लेकिन अपन उसमें नहीं जाते। बराबर, दूसरी गाथा में दो भेद बता दिए कि भाई दो प्रकार के जीव होते हैं। देखो मैं बोल रहा हूँ तो आप गाथा टैली करो, मेरे दिमाग में तो गाथा छपी है, आप लोग देखो दूसरे नंबर की गाथा मेरे चेहरे पर नहीं लिखी, दूसरे नंबर की गाथा, दूसरे नंबर की गाथा में स्वास्थ्य समय और पर समय के भेद बता दिए कि भाई दो प्रकार के जीव होते हैं, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। अब इसमें मिथ्या दृष्टि कौन, कि जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित हैं वो मिथ्या दृष्टि, और जो अपने ज्ञान दर्शन चारित्र गुणों में स्थित हैं वो सम्यक दृष्टि। ऐसा क्यों भेद किया, क्योंकि तुम्हें बता दिया ना भाई मिथ्यात्वी दशा है और संकित की दशा लेना। तीसरी गाथा में क्या किया, जिन्हें हम कह ललचाने वाली गाथा, कौन सी गाथा, ललचाने वाली गाथा, कि कुंदकुंद आचार्य देव तीसरी गाथा में सबसे सुंदर है ये कहकर आपको क्या करना चाहते हैं, आत्मा के प्रति उत्सुक बनाना चाहते हैं, आकर्षित कराना चाहे। 4थी गाथा में बोला कि बात इतनी अलग है सुंदर है तो फिर प्राप्त क्यों नहीं होती, अच्छी क्यों नहीं लगती, तो उसका कारण बताया। देखो 4थी गाथा, हाँ कि श्रुत परिचित और अनुभूत, ये सारे विषय भोग तो श्रुत परिचित अनुभूत हैं इसीलिए वो अच्छे लगते हैं, और आत्मा श्रुत परिचित अनुभूत नहीं है इसलिए अच्छी नहीं लगती। तो बोले ठीक है, अब अच्छी लगाने के लिए क्या करें, अब सुनेंगे तो बताते हैं हम तुम्हें, श्रुत परिश्रुत से ही चालू होगा ना, बैठेंगे सुनेंगे तो परिचय बढ़ेगा और परिचय बढ़ेगा तो अनुभव होगा, सिंपल सिलेबस है। तो पहले नंबर पर उन्होंने 5वीं गाथा में क्या बताया, वो एकत्व विभक्त आत्मा का परिचय, और साथ ही साथ क्या बोला, वार्निंग भी दे दी, दो काम किए 5वीं गाथा में, और वार्निंग भी नहीं दी मतलब एक नियम दे दिया कि जैसा हम बताना चाहें वैसा ही दिखे तो प्रमाण करना,
और नहीं दिखे तो जबरदस्ती ऐसे ऐसे करके नहीं करेगा, पूछना। तो अपन क्या दिख बना ही नहीं रहा, यहाँ बराबर क्या बराबर है वो पता नहीं, लेकिन आप गलत थोड़ी कहोगे। फिर क्या पंडित जी तमे इतला भणेला, पीएचडी करेला, जिनवाणी ऊपर गाड़ी में, खोटू थोड़ी कहो। हमें तो प्रमाण करी, पर शु प्रमाण खबर नहीं पड़ी तो शू। तो पांचवी गाथा में बहुत सारी सावधानियां बताई, प्रमाद नहीं करना, अज्ञानी होने पर ज्ञान का दंप नहीं भरना, विषय कषाय में नहीं जाना, दृष्टि से लक्ष्य नहीं हटाना, ये सब सावधानियां मैंने पांचवी गाथा की टीका में बताई। कौन कौन सी देखो फिर से बोल देगा, प्रमाद नहीं करना, अगर प्रमाद कर लिया तो भी चूक गए, पापों में चले गए तो भी चूक गए, अज्ञानी होने पर भी ज्ञानी होने के अहंकार में आ गए तो भी चूक गए, और दृष्टि को विषय में नहीं लिया तो भी चूक गए। चौकस है ना, मैं जो कहते वर्ल्ड कप होता है ना, तो कोई कोई टीम को क्या बोलते हैं चोकर, क्यों? क्योंकि तो वैसे अच्छा खेलती हैं, लेकिन एन मौके पर नॉकआउट में ही हारती, तो अपने मुख से कई बार चोकर बन जाते, चूक जाते। समझ में आया कि नहीं आया? तो पांचवी में अब जब वो एकत्व विभक्त की बात कही, अब मूल समय सार जो छठवी में बताया सातवी में बताया, बोले समय सार पूरा हो। एकत्व विभक्त आत्मा को बताना कुंद कुंद आचार्य देव का ध्येय, और छठवी में बताया कि वो प्रमत्त प्रमत्त नहीं होता बराबर, यानी शुभ राग से वेद ज्ञान कराया, और सातवी में गुण भेद भी रूप भी नहीं होता, यानी पदार्थ भेद दृष्टि का निषेध कर दिया। तो औपाधिक भावों का भी निषेध हो गया, भेदों का भी निषेध हो गया, और औपाधिक और भेदों से रहित काली शुद्ध आत्मा की स्थापना हो गई, समय सार पूरा हो गया। हो गया पूरा। अब इतना सब हुआ तो फिर प्रश्न होता है कि इतना ही है तो एक ही परमार्थ का उपदेश करना चाहिए ना। 19 नंबर का पेज पर 19, तब एक ही परमार्थ का उपदेश करना चाहिए ना। आपने कह दिया कि भगवान आत्मा गुण भेद रूप नहीं है, तो भी आगे बताते जाओगे, पर्याय भेद रूप नहीं है, रागादि रूप नहीं है, तो भी आगे गिनाओगे कि आत्मा के वर्ण नहीं, गुंध नहीं, स्पर्श नहीं, ये सब क्यों? एक ही बार में संवत्सरी प्रतिक्रमण में जब सब काम सुलझ जाता है तो 365 दिन प्रतिक्रमण क्यों करवाते हैं? भाई थोड़ा समझना कि बात तो एक ही, अरे इतनी भी नहीं थी बात, तो इतनी भी नहीं थी ना। अनुभूति में आए, छह गाथा भी लिखने की क्या जरूरत थी, सात गाथा में लिखने की क्या जरूरत थी, और कुछ भी नहीं लिखते तो समय सार क्या कम हो जाता? जो अपना समय सार है, इस समय सार की बात नहीं कर, अपना समय सार क्या कम हो जाता अगर कुछ भी नहीं लिखते तो? समझो तेजी ने टकोरो कि जो सक्षम हैं, समझने वाले हैं, उनके लिए तो एक ही गाथा पर्याप्त है, लेकिन सब जगह थोड़ी ऐसे लोग होते हैं, लोगों को तो बार बार परिचय करने पर भी प्रतीति नहीं। तो ये जो आगे जो भी व्यवहार आदि का कथन है, जो कथन है ना वो व्यवहार है, जो भी कथन है ना, बिना व्यवहार के कथन हो ही नहीं सकता, कथन मात्र व्यवहार है। तो फिर कोई कहे कि जब आत्मा कहीं नहीं जा सकती तो आप कह क्यों रहे? देखो आई ना, परमार्थ एक और वक्तव्य नीचे कि मात्र परमार्थ का ही कथन करना चाहिए, ये भेद वाले कथन क्यों कर रहे हो? और परमार्थ का कथन में कथन है ही नहीं, परमार्थ की तो अनुभूति ज्ञात वो तो वही है। तो अब उसके लिए आठवें नंबर की गाथा बताते हैं, वचन व्यवस्था की बात।
जैन अभिषक मण जो अणज भाषा विणा दुगा धर्मवहारेण विणा परमत्वोपदेशणम् मतकम्। पढ़िए भाषा देखो कितना सुंदर दृष्टांत। अनार्य को अनार्य की भाषा में ही समझाया जाता है। अनार्य को अनार्य की भाषा में ही समझाया जाता है। जैसे अनार्य को अनार्य की भाषा के बगैर आर्य वस्तु समझाई नहीं जा सकती, वैसे हम जैसे व्यवहारिक जीवों को निश्चय के बिना व्यवहार के बिना निश्चय की वस्तु नहीं समझाई जा सकती। देखो ये लिखा जह अणवि, जह मतलब यथा, अणवि मतलब नहीं, जैसे नहीं, क्या नहीं, सक्कम मतलब शक्य नहीं है, जहणवि शक्कम जैसे शक्य नहीं है, क्या नहीं है, अणज्जो मतलब अनार्य को, अणज्ज भाषा बिना अनार्य भाषा के बिना दुगाहेदुम की वस्तु समझाना शक्य। सीधी सी बात है कि नहीं, अनार्य को अनार्य की भाषा के बिना वस्तु समझाई नहीं जा सकती। बराबर क्या मैं जब नेहरू भी गया था ना तो वहां पे एक बड़ा जीवंत संकट महसूस किया। कौन सा? बिल्कुल कि हिंदी तो आती नहीं अने गुजराती प्रणाम बोले એટલે इंग्लिश की टोन में गुजराती बोले, ख्याल में। अब वो लोग कहें कि हम क्या करें, सच में उससे ज्यादा, और मतलब उस समय दोनों बार नेहरू जी में क्या कहते हैं अच्छे यूथ जुड़े थे, और 50 यूथ जितने लगभग वो क्लास में आना शुरू हुआ था, बहुत कम ऐसा हुआ था। तो बहुत वो कहते बार बार मेरे से प्रश्न करें कि पंडित जी हमने कहीं बताओ मैं क्या बोलूं, क्योंकि अभी तक जो भी मैंने इंग्लिश में लिटरेचर देखा अपना वो मतलब ऐसा लगता है जैसे एक प्राइमरी लेवल के कोई स्टूडेंट ने लिख दिया, अनुवाद भी है ना स्टैंडर्ड अनुवाद नहीं, बराबर। तो जो स्वाभाविक है कि अगर कोई हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति हो वो प्राइमरी की किताब कहाँ तक पढ़ पाए। अब उनसे कहो कि गुजराती आती नहीं, हिंदी में अच्छा लिटरेचर है तो वो भी नहीं आती, हिंदी नहीं आती, गुजराती नहीं आती, और जो तुम्हें आती है उसमें अवेलेबल। तो सबसे ज्यादा मतलब हैंडीकैप्ड फीलिंग मेरी तरफ से मुझे उस समय आई, कैसे बताएं। तो मैं तो सबको यही कहता था भैया तुम पहले थोड़ी गुजराती थोड़ी तो तुम्हें आती है ना, तो तुम गुजराती पक्की करो, एक बार गुजराती पक्की हो जाएगी तो गुजराती के हिसाब से तुम्हें लिटरेचर मिल जाए। लेकिन आज ये ग्लोबली समस्या, समझ में आया। हम अपने बच्चों को आजीविका के एग्जामों में पहुंचा तो देते बराबर, अब वो तो यहाँ से पढ़ लिख कर गया है तो इसीलिए यहाँ के थोड़े बहुत संस्कार भी हैं, भाषा भी है सब, लेकिन अब जितने भी लोग वो है ना वहाँ के हैं और उनकी जनरेशन वहाँ से पढ़ी, उन्हें तो हिंदी नहीं आती, गुजराती नहीं आती, अब वो खुद कह रहे हैं कि हम क्या करें। ये तो थोड़ा बहुत जाके समझ लेगा, जो यहाँ से पढ़कर गया है वो वहां मेल कर लेगा, लेकिन जो वहीं ब्रॉन एंड ब्रॉटअप हुआ है, बॉर्न एंड ब्रॉटअप हुआ है, उसके लिए शून्य।
क्योंकि भाषा गई तो भाषा संबंधी सारी सारी जो कनेक्टिविटी है वो चली जाती। अब ऐसे जीव को भी अगर आपको तत्व समझाना है तो कौन सी भाषा उपयोग करनी पड़ेगी, उसकी भाषा करनी पड़ेगी। अगर आप भाषा नहीं दे पाओगे तो भाव कहां से पकड़ेगा, ख्याल में रख नहीं आ रहा। भाषा अनार्य बिना समझा सके ना अनारी भाषा के बिना जब तक वो समझेगा ही नहीं आत्मा की बात तो कैसे वो आत्मा की अनुभूति करेगा। इसीलिए देखो, और आपको बताऊं यही गाथा का आधार है, ये गाथा का आधार है, ये जैन धर्म की परंपरा है। समझो वैदिक संस्कृति और अपनी संस्कृति, दोनों संस्कृतियां रही, ब्राह्मणवादी और ब्राह्मणों ने संस्कृत का बहुत आग्रह रखा कि नहीं रखा, और इसीलिए उन वो कहते वेद को संस्कृत के अलावा और कहीं पे कर ही नहीं पाए। बहुत समय तक ये चला, वो तो अभी मॉडर्न एज में थोड़ा बदला है, लेकिन जैन आचार्य बहुत पहले से ही फ्लेक्सिबल, वो शुरू से ही कहते थे आपको तो प्राकृत और संस्कृत में क्या अंतर है, है? प्राकृत और संस्कृत में क्या अंतर है, संस्कृत शब्द क्या कहता है, मठारे सरल भाषा में कहिए तो शू, तो ये जे जन सामान्य भाषा प्राकृत शू कहे छे, नेचुरल मतलब जो वस्तु नेचुरल फॉर्म में मिलती है वो कहलाती है प्राकृत, और उसको ही क्या कर दिया जाता है, जब संशोधित कर दिया जाता है एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले में ले आते हैं वो कहलाती है संस्कृत। प्राकृत मतलब नेचुरल फॉर्म और संस्कृत मतलब एनरिच्ड वर्जन। जब ये कुनकुन आचार्य देव थे उस समय संस्कृत सिविलाइज्ड लोगों की भाषा है, जैसे आज की भाषा में जैसे होता है एक वर्ग जैसे जो मात्र इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करता है ना, ख्याल में आ रहा है, एक वर्ग क्या है कि जो इंग्लिश उस तरीके के लोग थे कि राजा महाराजे टॉप अधिकारी गुरु ये सब लोग क्या बोलते थे, संस्कृत, और सामान्य व्यक्ति क्या बोलते थे, प्राकृत। तो कुनकुन आचार्य देव को संस्कृत आती नहीं थी ऐसा नहीं था, अपने जैनाचार्यों को संस्कृत आती नहीं थी ऐसा नहीं था, लेकिन उन्होंने शुरू से ही क्या लक्ष्य रखा कि हमें समझाना है किसको है, हमें सामान्य को समझाना, इसीलिए उन्होंने सामान्य भाषा में लिखा। ये प्राकृत आज आपको कठिन लगती है लेकिन वो समूह उस समय की भाषा थी, देश भाषा है, मतलब और कहें तो लोक भाषा, जैसे काठियावाड़ी मैयाणी बराबर ये है ना देसी। उन्होंने विद्वत्ता का आग्रह नहीं रखा, उन्होंने बोध का आग्रह, उसने भी जब बदला तो हमने सारे शास्त्रों को हिंदी में कर दिया, अपभ्रंश में करा, उसमें भी नहीं किया तो देश भाषा गुजराती में कर दिए, क्योंकि हमारे लिए भाषा का भी महत्वपूर्ण मुद्दा था ही नहीं। अभी अगर परिस्थिति बन रही है तो इंग्लिश में भी करेंगे, चल भी रहे हैं बहुत सारी जगह प्रयास कर रहे हैं। भाषा अगत्य की नहीं है, भाव अगत्य, और आचार्यों ने बहुत पहले से ही निर्णय किया कि जिसको जिस भाषा में समझ में आता है उसको उस भाषा में समझा। अब हम लोग भाषा को बहुत अलग अलग रहते हैं, हैं? हम कहते जिसको जिस भाषा में, तो मतलब हम क्या करते हैं गाली दे के समझाओ, ऐसा नहीं समझ रहे, भाषा की बात कर रहे हैं, ये बड़ा खतरनाक शब्द हो गया, इन्हें ये भाषा आवड़े इसलिए मारो ठोको गोड़, ये नहीं कह रहे, ऐसी भाषा की आज्ञा नहीं है, परमिशन नहीं तो अनारे देखो एक बहुत सीधी सी बात है, बच्चों को भी जब आप समझाओ तो सरल शब्द बोलो, सरल शब्द बोलो। पता है बच्चे क्यों दूर हो गए, बड़े घर में गुरुदेव के तत्व ज्ञान की बात है भाई,
तो बच्चे क्यों दूर हो गए? क्योंकि एक वर्ग वो हो गया जो बिल्कुल गुरुदेव के सानिध्य में रहकर उनके कठिन कठिन शब्दों को सुना, और दूसरा वो बालक हैं जो कभी मंदिर भी नहीं गए ढंग से। तो जब आप उनके साथ में कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे आप उसको समझाओ? इसीलिए कभी भी जब आप धर्म की बात करो तो जिसे अपन बोलते हैं कम्युनिकेशन लेवल, आप उसे मेंटेन करके रखो। सरल भाषा के शब्द बोलो, उसे समझ पड़े ऐसे शब्द बोलो। विद्वत्ता मत छांटो अपनी, कनेक्ट देन करेक्ट, सिंपल सूत्र रखो। क्या बोला? पहले कनेक्ट करो फिर करेक्ट करो। आप कनेक्शन ही नहीं बना पा रहे हो अपना, अपनी संततियों के साथ में, अब फिर कहते हो बच्चे सुनते सीखते नहीं। अरे कैसे सीखे? तुम उनको समझाओ तो, उनकी प्रॉब्लम तो समझो, तत्व को सरल तो करो। तुम अपने ही शब्द बोलते जा रहे हो अप्रतिबुद्ध। अब तुम्हें ही पता नहीं चल रहा अप्रतिबुद्ध मतलब क्या है। इसीलिए सरलता का आग्रही होना गलत नहीं, लेकिन सरलता में वो नहीं होना चाहिए कि आप कुछ का कुछ बोल। समझ में आया कि नहीं है? सरलता होनी चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। सबसे सरल में वो एक एक महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि आप अपनी भाषा को सरलता से बन, अनार्य को अनार्य की भाषा में समझाओ, बालक को बालक की भाषा में समझाओ। आटलू हमने ना आवड़े तो मैं सीखो और क्या करें। गुनगुन आचार्य देव ने भी तो एक सूत्र दिया है। अब ये थोड़ी कि वो इंग्लिश लिख देते कि बच्चों की भाषा लिख देते। पॉइंट समझ आया कि नहीं है? तो एक फॉर्मूला बताया कि जैसे अनार्य को अनार्य की भाषा में समझाया जाता है, इसके रूप क्या बनेंगे? बालक को बालक की भाषा में समझाया जाता है, अज्ञानी को अज्ञान की भाषा में समझाया जाता है, अंग्रेजी को अंग्रेजी की अंग्रेजों को अंग्रेजी की भाषा में समझाया जाता है। बराबर, जो जिस भाषा वाला है उसको उस भाषा में, जो और भाषा में भी फिर जो इस भूमिका में, गुजराती आप बोलोगे तो ऐसा नहीं कि एमए लेवल की गुजराती और प्राइमरी लेवल की गुजराती दोनों एक नहीं हो जाएगी, दोनों में अलग अलग हो। जो जिस भाषा में समझता है उसको उस भाषा में समझाना चाहिए, समझाते हैं। ये दृष्टांत वैसे ही, अब देखो ये सब तो दृष्टांत का खुलासा हुआ। वैसे ही सर्वव्यवहारेण बिना व्यवहार के, अब ये समझ लो कुनकुन आचार्य जी ने हम जैसे व्यवहारी जनों को अनार्य की कैटेगरी में रखा। समझ में आया? व्यवहारेण बिना, व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य। व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य। हम व्यवहार में रचे पचे, अब गजब है कि नहीं कि हम 24 घंटे, भले ही समय सार का प्रतिपाद्य क्या है, शुद्ध निश्चय नय का विषय भूत विनायक भगवान आत्मा है कि नहीं, लेकिन हम पढ़े कहां पर है 24 घंटे? विचार करके देखो, सुबह उठा, नहलाया धुलाया, कौन सा व्यवहार किया आपने? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं का। दुकान पे गए हार्दिक भाई, कौन सा व्यवहार किया? उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं का। मंदिर आई, पूजन पाठ कर लिए, कौन सा व्यवहार किया है? उपचरित सद्भूत व्यवहार में। स्वाध्याय में गुण वेद आदि की बात कर ली, कौन सा व्यवहार किया? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। ये तो मैं चार बताने थे, बाकी आप हजारों प्रकार आप लगा। अभी नहीं खबर पड़े होंगे, चार आएंगे, थोड़ा नए चक्र पढ़ोगे ना ख्याल में। चार प्रकार के हमने अगर देखेंगे जीवन में तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, या अपने से पर का कनेक्शन जोड़ रहे, या शरीर को लेकर चर्चा कर रहे, या परिवार को लेकर, या थोड़ा बहुत सुग्रास, या थोड़ा बहुत तस्वीर, ये सब कहां पर आ रहा है? और उसमें सर्व स्थूल व्यवहार में सर्वाधिक समय होता कि नहीं होता? बोलो। सर्व स्थूल व्यवहार, मैं दुकान हूं क्या? नहीं।
मेरी दुकान है ये सत्य है कि कथन? बोलो बोलो फिर से। मैं दुकान हूं क्या? नहीं। मेरी दुकान है ये सत्य है कि कथन? कथन। तो कथन कौन सा कथन है? मजबूत वाला कथन है कि हल्का फुल्का कथन है? उपचरित असद्भूत व्यवहार में। अब देखो सबसे दूर का कथन, सबसे दूर का कथन मतलब बिल्कुल वैसा ही कि जैसा कोई दूर का गैस आपको किसी दूर प्लेस पर, आप भी भटक रहे थे, वो भी भटक रहा था, कोई जान पहचान नहीं, लेकिन हाय बाय हो गया और उसने कहा घर आना, और आप दलबल के साथ में 10 दिन की होल्ट करने पहुंच गए। अब बोलो वो फिर बोले कि भाई क्यों, अगर आपने कहा था आना तो आ गए, और आपने प्यार से बोला था अकेले नहीं आए, परिवार को लेकर आए, और अकेले एक दिन के लिए नहीं आए। समझ में आया है? कैसा लगे? अरे भाई ये तो मतलब क्या ना, मुंह लगा और गले पड़ गए। ऐसा है मतलब घर आना बोला था उसने, लेकिन वो उपचार में उपचार था, आप तो मजाक को भी सीरियस ले लिए। समझ में आया? ऐसा ही है असद्भूत व्यवहार नहीं का कथन, ये बहुत दूर का कथन है, लेकिन हम सबसे ज्यादा क्या होते हैं, मेरी दुकान, मेरी मैं दुकान नहीं हूं, और मेरी दुकान ये कथन है, कथन मतलब सत्य नहीं है, और सत्य नहीं है तो कितना सत्य है? बोले बहुत दूर का सत्य है। मेरा परिवार ये भी दूर का है, मेरा शरीर ये भी दूर का है, और हम उलझे कहां पर हैं? आत्म विराधना के जितने भी एक्सक्यूज होंगे उन सब की जड़ खोजने जाओगे तो कहां मिलेगी? दुकान में, मकान में, परिवार में, शरीर। फिर से क्या बोला है? आ रही कि नहीं आ रही बात समझ? आत्म विराधना के जितने भी सूत्र खोजने जाओगे, क्यों आत्मा की विराधना कर रहे हो, क्यों आत्मा की आराधना नहीं कर रहे हो, तो सारे सूत्र कहां पर मिलेंगे? घर, मकान, दुकान, परिवार, शरीर। अब ये सब आचार्य कहते असद्भूत व्यवहार में। समझ में आया? इसलिए कहते हैं भाई व्यवहार में पड़े हुए जीव हैं हम लोग, और ऐसे व्यवहारी जीवों को अगर समझाना है तो कौन सी भाषा में? व्यवहार की भाषा में समझाया जाए। इनडायरेक्टली आचार्य ने हमें अनार्य कह दिया। क्या कह दिया? अनार्य। क्यों अनार्य क्यों कहा भाई? आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ, और अनार्य मतलब अश्रेष्ठ। अभी मैं राजकोट में गुरुदेव के प्रवचन सुन रहा था तो एक उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि आत्मानुभवी होवे श्रेष्ठ से सेठ बना है। पता है आपको जो सेठ शब्द है ना, सेठ, सेठ कहां से बना? श्रेष्ठ शब्द का अपभ्रंश रूप होकर सेठ बन गया। तो अनार्य का आर्य का इक्वल क्या होता है? आर्य का अगर संस्कृत अर्थ करने जाओ तो श्रेष्ठ, और अनार्य का अश्रेष्ठ। तो सेठ की गुरुदेव ने व्याख्या करी कि जेने आत्मानुभवन सहयो होए ए सेठ, बाकी बदा हेठ। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला? फिर से बहुत स्पष्ट बोला उन्होंने तीन पाउस की चर्चा में, समय सार के पुण्य पाप अधिकार में चर्चा कर ली। क्या व्याख्या दी? कि जेने आत्मानुभवन थयो होय ए सेठ, अने बाकी बदा हेठ। विचार कर लो, हम तो बड़े खुश होते जब छोटे दुकान में बैठते थे ना, और वो ग्राहक आते थे और बोलते अरे सेठ जी, छोटे को भी सेठ जी बोलते थे, इतना गदगद हो जाते। देखो मेरी तारीफ हो रही। आत्मानुभवन करे तो भी
है, बाकी सब हे। तो जो जो भी निश्चय स्वरूपी आत्मा का अनुभव कर रहे हैं वो ही आ रहे हैं यानी श्रेष्ठ हैं, और जो जो निश्चय स्वरूपी आत्मा के अनुभव के बाहर हैं वो सब अनारे हैं, मतलब हिट। ये अपना जो मान का रेत का किला है ना वो तो ज्ञानियों की बात से भर भर करके गिर जाए। कहां किसका मान करें, धन का मान करें वो पर है, तन का मान करे वो पर है, पद का मान करे वो पर है, पैसे किसका मान करें। अरे उसके मान के चक्कर में तो हम ना जाने गुमनाम। अंदर में चिदानंद चैतन्य प्रभु विराजमान है, उसका मान आता नहीं, और जिसको आत्मा का मान आया नहीं वो जगत में कहीं सम्मान पाता नहीं, और जिसे आत्मा का मान आया वो तीन लोग का प्रमुख पद पा। इसीलिए आचार्य इनडायरेक्टली हमें अनार्य कह रहे हैं, मतलब व्यवहार की भाषा में समझा रहे हैं। तो कहना तो ये चाहते कि बताना तो तुम्हें अच्छी अच्छी बात है, लेकिन तुम सब लोगों की क्या नहीं है, ऐसी हैसियत नहीं है कि तुम सीधी सीधी बात समझ सको, इसीलिए 415 गाथा लिख रहे हैं। बाकी तो उनने अपना कोर्स पूरा